स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वन प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत वन विभाग और कन्या विद्यालय बरूड के संयुक्त तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी हर्षित सक्सेना और कन्या विद्यालय बरूड की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती सुनीता सोनी ने छात्र छात्राओं के समक्ष पूरे प्रांगण में विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण किए गए। साथ ही अपने उद्बोधन में श्री सक्सेना द्वारा बताया गया कि आज की जलवायु में पौधों का कितना महत्व है एवं अत्यधिक वनों की कटाई से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। इस अवसर पर समस्त स्टाफ पत्रकारगण और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। टांडा बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। हम अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएंगे और उनकी देखभाल करते हुए अमृत महोत्सव का ये हमारा कार्यक्रम है, जो कि हमें ये आदेश था कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे पौधारोपण कार्यक्रम हो, उसमें ज्यादातर लोग, उसमें हमारे आसपास के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, खासकर ऐसे स्कूल जैसे आपके बच्चियां जो हैं इनको देखने को मिलेगा वृक्षारोपण होता क्या है, इन्होंने सुना होगा सामने कैसे होता है, उसका क्या महत्व है, वो मेरा मेन आज का पर्पज़ है। मैं आके समझा पाऊँ कि उसका क्या पर्पज़ है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा अपना वृक्षारोपण जो हमने यहाँ किया, हमने 100 से ऊपर पौधे दिए हैं, अभी हमने 2 या 3 पौधे केवल लगाए हैं, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ आप सभी को, और मैं यहाँ डेली आता हूँ लगभग, और बीच बीच में आके चेक भी करते रहेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है, अब अच्छे से ये मत सोचिए सर कर देंगे, मैडम कर देंगी, हमारे यहाँ कोई स्टाफ कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।